नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट मीडिया। दोस्तों, पंजाब के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में किए दो बड़े बदलाव। तो कौन से खिलाड़ियों को मिली एंट्री और किसे दिखाया गया है बाहर का रास्ता, ये बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की गाड़ी IPL 2021 में बेहतरीन शुरुआत के बाद पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। रोहित शर्मा की टीम 19 सितंबर से शुरू हुए IPL 2021 के फेज टू में लगातार 3 मैच हार गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रविवार को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 54 रनों से धो डाला। इस हार के बाद मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर खिसक चुकी है और उसके 10 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक हैं। IPL 2021 में क्रिकेट ने फिर करवट लेनी शुरू कर दी है। लीग के पहले पेज में मुंबई इंडियंस टॉप 2 टीमों की रेस में मजबूती से खड़ी थी और अब उसकी ख्वाहिश यही होगी कि किसी तरह टॉप 4 में जगह मिल जाए। यह अंतर सब कुछ मैच 8-10 दिन के खेल में बीच आया है। दोस्तों, IPL के फेज 1 में मुंबई ने अपने 7 में से 4 मैच जीते थे और फेज 2 में वह अपने 3 मैच हार चुकी है। और दोस्तों, 28 तारीख यानी कि कल पंजाब के खिलाफ मुंबई को एक और मुकाबला खेलना है और ऐसे में वह बड़े बदलाव के साथ उतरना चाहेगी। तो वहीं पंजाब के खिलाफ मुंबई इंडियंस अपनी टीम में एडम मिलन की जगह मार्को जेंसन को मौका देना चाहेगी। इसके अलावा दोस्तों, हार्दिक पांडे की जगह जेम्स नीसम को भी मौका देना चाहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुंबई की इन बड़े बदलाव के साथ उसे जीत हासिल होगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।